और यहाँ से नज़ारा एक बार दिखला देता हूँ, ये देखिए नज़ारे। भिलाई के लिए निकल रहा था तो सोचा कि यहाँ का, यहाँ पे मंदिर भी है, गार्डन भी है, तो सामने में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये पिछला हिस्सा है मंदिर का, हनुमान जी का चरण। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रॉल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो अभी मैं हूँ कटघोरा पे, और कटघोरा जब भी आना जाना किया हूँ तब जो अंबिकापुर और कटघोरा वाली जो रूट है ये लेके जाएगी कटघोरा। उस बीच में यहाँ पे एक खूबसूरत सा लोकेशन है, ये यहाँ पे ये देखिए, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है, ऊपर में मंदिर भी है। जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। बिलासपुर यहाँ से 82 किलोमीटर है, रायपुर 202 किलोमीटर है, कोरबा 32 किलोमीटर इस साइड लेके जाती है, और इधर है अंबिकापुर, और उस बीच में ये गेट है, बहुत प्यारा सा गेट है, गणपति महाराज जी हैं। चलते हैं, आप लोगों को दिखलाता हूँ मैं। अभी हम लोग पहाड़ चढ़ाई करेंगे। जब मैं कटघोरा सिटी का व्लॉग बनाया था ना, तो उसमें बहुत सारे भाई बहन मुझसे रिक्वेस्ट किए हुए थे कि सर आप इस जगह को भी दिखलाइए अपने यूट्यूब के माध्यम से, ताकि लोगों को भी जानकारी हो पाए। तो मुझे लगा इस पर व्लॉग बनाने चाहिए। जी, आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहे हैं अपन। अभी हम लोग पहाड़ चढ़ाई कर रहे हैं, देखो उधर भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मतलब कि कटघोरा शहर अपन देख पाएंगे ऊपर से, और पता नहीं यहाँ पे लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। ये देखो मंदिर है, भव्य मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से नज़ारा एक बार दिखला देता हूँ, ये देखिए नज़ारे। ये हाईवे है, और वो देखो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, हालांकि अपन हाइट पे करके छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। आध्यात्मिक साधना स्थल ये श्री हनुमान गढ़ी कटघोरा हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, यहीं पे अपने को बाइक रखना पड़ेगा, उसके बाद चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से। फिलहाल मैं आपको व्यू दिखलाता हूँ यहाँ का, इस साइड में क्या है, तो देखते हैं यहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है। वैसे इस साइड भी सीढ़ी बना हुआ है नीचे उतरने के लिए, और कुछ लोग नीचे उतर के आए हैं। वैसे यहाँ पे ठीक ठाक व्यू मिल जा रहा है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्पेस दिया हुआ यहाँ पे गाड़ी रखने के लिए। चलते हैं अपन अंदर, दर्शन कराते हैं, देखते हैं यहाँ का व्यू पॉइंट। ये है पूरा यहाँ का नज़ारा। सुबह के 11 बज चुके हैं, भिलाई के लिए निकल रहा था तो सोचा कि यहाँ का व्लॉग बना लेते हैं, और आप लोगों को घर बैठे दर्शन कराते हैं भगवान जी का। अच्छा बड़ा स्पेस में है भाई ये जगह, और बैठने के लिए इस तरह से बना हुआ है जहाँ पर आप कुछ समय बिता भी सकते हैं। और यहाँ पे सहनी महाराज जी हैं, तो इनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। और ये गार्डन जैसा बना हुआ है यहाँ पे, कुछ लोग वहाँ पर है, कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए समय बिताने के लिए फ़ोटो वोटो ले रहे हैं। श्री राम श्याम। तो चलिए आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं शंकर भगवान जी। जूते यहीं पे उतार देते हैं। बहुत खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ सीताराम, ये देखिए कितना खूबसूरत सा मंदिर है। यहाँ पे शिवलिंग है, नंदी महाराज जी हैं, और आगे में शंकर भगवान जी, गणेश भगवान जी। तो घर बैठे आप दर्शन करिए, और सच में बहुत खूबसूरत सा ये मंदिर है। शंकर भगवान जी का फोटो भी है। गाइस, बहुत शांत सा ये जगह है भाई, कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम शांत। जो साधना वाधना करते हैं ना, उन लोगों के लिए ये जगह है, और जिसको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, इस जगह पे आप आकर बैठ सकते हैं। वहाँ पे दुकान जैसा भी है, पता नहीं शॉप खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, अभी तो फ़िलहाल बंद है। यहाँ भी एक मंदिर है,
हरे राम करके लिखा हुआ है। चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। फिलहाल दरवाजे बंद हैं और यहाँ पर है बजरंगबली जी, घर बैठे दर्शन करिए बजरंगबली जी का। अच्छा पवित्र स्थल है ये और पहाड़ के ऊपर में, यहाँ से अपन नज़ारा भी आप लोगों को दिखलाएंगे। और उधर चलते हैं, उधर भी लोग गए हुए हैं उस साइड, तो कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मंदिर भी है, गार्डन भी है और इस तरह से बैठने के लिए अच्छा व्यवस्था भी है जहाँ पे आप कुछ समय बिता सकते हैं। इधर भी देख लेते हैं, ये देखो ये दुकान जैसा बना हुआ है, नल भी है यहाँ पे, फ़िलहाल ये तो बंद है। और यहाँ से नज़ारा देखिए गाइस, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। सूरज देवता सामने तरफ है करके अच्छे से व्यू आपको नज़र नहीं आएंगे, शाम को और सुबेरे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को, अभी तो दोपहर के समय है। तो चलिए इधर चलते हैं, उसके बाद रिटर्न जब होंगे तो वो जो गार्डन बना है वो भी देखेंगे। यहाँ भी दिया हुआ है जाने का मार्ग, श्री हनुमान पद चिन्ह करके लिखा हुआ है। अच्छा हनुमान जी का पद चिन्ह है, चलो आते समय देखेंगे उसको। ऊपर में एक और मंदिर है। और ये जगह आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एकदम नया जगह ये हमारे लिए। हालांकि मैं इतने बार इस रूट से आना जाना किया हूँ लेकिन कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला। बाकी इधर का नज़ारा देखिए, बड़े बड़े चट्टाने नज़र आ रहे हैं, पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। और कुछ लोग कुछ समय बिताने के लिए आए हैं, वैसे बैठने के लिए काफ़ी कुछ चेयर सीमेंट के बने हुए हैं। भव्य मंदिर है सामने में, तो हम आप दर्शन भी कराएंगे और इधर के एरिया भी देखेंगे। खूबसूरत सा मंदिर दिख रहा है। जी सीता मैया और लक्ष्मण जी हैं, तो घर बैठे आप भी दर्शन करिए। और मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर है, तो कभी भी आपका कटघोरा आना होता है यहाँ आइए दर्शन करने के लिए भगवान जी का। और यहाँ पे भगवान जी का फ़ोटो भी है, ये देखिए इस तरह से बहुत सारे फ़ोटो हैं यहाँ पे। ये नंदी महाराज जी, पवन पुत्र हनुमान जी, कृष्ण भगवान, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं। और उसके बाद चला गया, ये देखिए जय श्री राम। और उसके बाद नहीं गया, क्या बच जाए गाइस। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए और प्रसाद भी ले लिए हैं, तो चलिए अब यहाँ का जो व्यू पॉइंट आप लोगों को दिखलाते हैं। तो बाहर से भी मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये कुछ लोग आए हैं जो पानी टंकी में चढ़कर मस्ती कर रहे हैं। अच्छी जगह है भाई यहाँ पे कुछ समय बिताने के लिए, और इतना पवित्र स्थल है, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। इधर से व्यू देखते हैं अपन, कितने बड़े बड़े चट्टाने यहाँ पे।
ये देखो यहाँ से पूरा हाईवे नज़र आ रहा है। वो देखो सामने में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये पिछला हिस्सा है मंदिर का। गर्ल्स एंड बॉयज़ भी आए हुए हैं। चारों तरफ से आप लोगों को मंदिर का मैं दर्शन करा रहा हूँ। इधर से भी व्यू देखते हैं अपन कैसा दिखता है यहाँ से। यहाँ पे व्यू पॉइंट है। चलो यहाँ से भी अपन व्यू देखते हैं कैसा दिखता है यहाँ का व्यू। चबूतरा जैसे बना हुआ है। तो इस तरह से है पूरा यहाँ का व्यू। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। ऐसे यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए। गैस तो यहाँ भी एक चबूतरा जैसे बना हुआ है। तो यहाँ से भी आप लोगों को जो भी नज़ारा दिखता हो दिखला देता हूँ मैं। ये देखो तो इस तरह से चबूतरा बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं बड़े सुकून के साथ अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ में। और पीछे तरफ है मंदिर जो अभी हाल ही में आपको दर्शन कराया हूँ मैं। यहाँ पर है हनुमान जी और उनके जो चरण हैं वहाँ पर है जहाँ पे चबूतरा जैसे बना हुआ है। तो चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं और दर्शन भी कराते हैं। और यह है हनुमान जी का चरण। देखो चबूतरा जैसे बना हुआ है। ये शिवलिंग है और ये हो सकता है चरण हनुमान जी का। पवित्र स्थल है और वहाँ पर है हनुमान जी का मूर्ति है। और यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन है हनुमान जी का चरण करके। अच्छी जगह है आप भी आइए। देखो पदचिन्ह करके लिखा हुआ है और वही है पदचिन्ह। तो चलिए गाइस अब यहाँ का जो गार्डन है वो देखते हैं। ये रहा वृंदावन। चलिए आप लोगों को अंदर ले चलते हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं भाई। ये देखो इस तरह से पूरा गार्डन है। अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे स्पेस है बैठने के लिए। मस्त चबूतरा बना हुआ भाई। लोहे का चेयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं अगर आपके पास पर्याप्त समय है। तो यहाँ पे आप खाना पीना भी कर सकते हैं। देखो इस तरह से पूरा नज़ारा है। और ये हल्का फुल्का गार्डनिंग है। जंगल झाड़ी है। अगर आप कभी नहीं आए हैं तो यहाँ आइए विजिट करिए। आपको ये जगह बहुत अच्छा लगेगा। आज का जो व्लॉग है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये छोटा सा व्लॉग बनाया हूँ आप लोगों के।